हाय गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शाही पनीर की एक बहुत ही इजी और सुपर डिलीशियस रेसिपी। अगर आपको लगता है कि आप बाज़ार जैसा या रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर में नहीं बना पाते हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और आपको वीडियो देख के पता चलेगा कि ये कितना ईजी होता है और एक्चुअल में रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो गाइस, शाही पनीर बनाना बहुत ही ईजी है। उसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर, तो ये 3 टमाटर है क्योंकि छोटे साइज़ के हैं। अगर मीडियम साइज़ होते तो हम 2 टमाटर ले सकते हैं। आधा प्याज लिया है मैंने क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं शाही पनीर। बहुत ज़्यादा प्याज ऐड करने से बहुत ज़्यादा स्वीटनेस ऐड हो जाएगी और ग्रेवी का कलर भी अच्छा नहीं रहता है। 3 छोटे छोटे गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं मैंने और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इनको हम रफली काट लेंगे और फिर अपना तड़का बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने रफली जो है चॉप कर लिया है जितनी भी चीज़ें थी हमारी तड़के के लिए, और एक कढ़ाई गरम कर ली है। इस कढ़ाई में डालूंगी सबसे पहले थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसके बाद जितनी भी जो हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इस सबको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, जो भी चॉप्ड हमारा मटेरियल था उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, तो थोड़े से काजू ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि फ्रेश क्रीम भी ऐड करेंगे टेक्सचर और रिचनेस के लिए। साथ ही में इसमें हम ऐड कर सकते हैं इलायची या इलायची पाउडर भी, लेकिन मैं थोड़ा सा बाद में ऐड करूँगी, अदरवाइज़ उसकी फ्रेगनेंस जो है वो उड़ जाएगी। तो इसको कर देते हैं बिल्कुल सिम, यानी कि फ्लेम को कर देते हैं लो और इसको ढक के कुक करेंगे जब तक कि जो वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है, वो मशी नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाता, प्लस जो पानी है वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। तो हटा कर देख लेते हैं और काफ़ी हद तक जो पानी है वो सूख चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इलायची पाउडर। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप साबुत इलायची यूज़ कर रहे हैं तो 1 इलायची डाल सकते हैं, 1 से 2 इलायची। और जब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे तभी हम ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, जितनी ज़रूरत होगी बाद में हम जो सॉल्ट है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रेवी है वो रिड्यूस होगी तो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और शाही पनीर में थोड़ा सा माइल्ड सॉल्ट और माइल्ड जो चिली है वही अच्छी लगती है। लाल मिर्च या कोई भी मिर्च मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा ही जो है ये रिड्यूस हो गया है। तो मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसको पेस्ट बना लेंगे। तो बंद कर दिया मैंने और थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया था। मैंने इसको कर लिया है अपने मिक्सर में ट्रांसफ़र और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला या शाही पनीर मसाला, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड होता है तो कुछ कच्चा रहने का तो सवाल ही नहीं है। प्लस जो ये जैसे अगर दानेदार या दरदरा है आपका पाउडर या जो भी है, तो वो चंक्स दिखाई नहीं देंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी। तो अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए, पेस्ट रेडी हो गया हमारा। चाहे तो हम इसको छान सकते हैं छलनी से या एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको कितना ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर चाहिए, कितना सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग टेक्सचर चाहिए, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि इससे जो क्या होगा, टमाटर के छिलके या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो छन जाएगी और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर रहेगा हमारे ग्रेवी का। तो मैं इसको आज छान रही हूँ, आप अपने विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और तब तक क्या करेंगे, अपनी कढ़ाई में जो है 2 चम्मच घी डाल के गरम कर लेंगे। तो घी ऐड कर चुकी हूँ मैं, इसको हल्का सा गर्म होने देती हूँ। तो जैसे ही हमारा जो घी है वो हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। जल्दी से इसको चला लेंगे ताकि अच्छे से घी में मिक्स हो जाए और अपना कलर छोड़ दें। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पहले हमने कोई भी मिर्च यूज़ नहीं की है। अब इसमें फटाफट से डालेंगे क्रश्ड कसूरी मेथी। इस टाइम पे फ्लेम बहुत ही लो होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो कलर है ख़राब हो जाएगा और मेथी भी जल जाएगी। अब फटाफट से मैंने जो पेस्ट बनाया था छान के उसको ऐड कर दिया।
ये देखिए स्टेज पे हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। लाइट ऑन एंड ऑफ दोनों करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, 1 से 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम ऐड कर दी मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक होने देंगे जब तक ये जो है क्रीमीनेस नहीं अपना एब्जॉर्ब कर लेती है ग्रेवी में। और कितनी थिक एंड थिन रखनी है वो आप अकॉर्डिंगली पानी या दूध ऐड करके कर सकते हो एडजस्ट। तो फ्लेम को लो कर देती हूँ, आप इसको ओपन या कवर्ड जैसे भी रखना चाहते हैं। अगर ग्रेवी पतली है और गाढ़ी करनी है तो ओपन करके, और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अभी, तो आप जो है ढक के इसको थोड़ा सा कुक होने दीजिए। सो गाइस, जब आपको लगेगा कि आपकी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है तो आप ऐड करेंगे उसमें पनीर, लेकिन उससे पहले मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हनी। अगर आपको हल्की सी मिठास पसंद है तो मैं हनी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, तो आधे चम्मच से भी कम, बहुत ही हल्का सा ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाए। तो अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो डायरेक्टली पनीर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हल्की सी स्वीटनेस चाहिए तो शहद या चीनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम डालना होता है, अदरवाइज वो पूरा ही मीठा हो जाएगा। तो इसको एक बार मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो मिक्स कर लिया है और ऐड करने जा रही हूँ पनीर। होममेड पनीर है और ये मैं इसमें ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूंगी और उसके बाद ढक के रख दूंगी। फ्लेम लो ही रहेगी ताकि अच्छे से जो मसाला है वो एब्जॉर्ब कर ले पनीर। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, क्योंकि हनी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना चाहिए। तो आप हनी तभी ऐड करें जब आपको पता है कि आपकी सब्ज़ी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे या तो गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से, या आप सर्व करते हुए भी सेपरेटली फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए मैंने फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दी है और कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और कितना सिंपल है वो तो आप रेसिपी देख कर जान ही चुके हैं। फटाफट से सारी सब्ज़ियाँ बॉयल की, पेस्ट किया और हमारा बहुत ही टेस्टी शाही पनीर रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।